आज हम मैंगो खीर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 750 ml फुल क्रीम दूध लिया है, 2 बड़ा चम्मच शामक के चावल जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अगर आप चाहें तो बासमती टुकड़ा चावल भी ले सकते हैं। थोड़े से नट्स, 1 बोर्ड मैंगो प्यूरी और 4 बड़े चम्मच चीनी चाहिए। सबसे पहले हम दूध को उबलने के लिए रख देंगे। दूध बॉयल हो गया है, गैस को हम स्लो कर देंगे और इसमें पानी निकाल के चावल डाल देंगे। इसे एक बार अच्छे से हिला देंगे, फिर 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। बीच में हम इसे एक दो बार हिला लेंगे। चावल पक चुके हैं, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। इसे एक बार अच्छे से हिला देंगे, फिर थोड़ी देर और पका लेंगे। चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से कुछ कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। खीर गाढ़ी हो गई है, हम इसमें थोड़े से नट्स डाल देंगे। फिर से 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। खीर गाढ़ी हो गई है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। खीर ठंडी हो गई है, ठंडी होने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी अपने आप ही हो जाती है। अब हम इसमें मैंगो प्यूरी डाल देंगे। और इसे मिक्स कर देंगे। सामक के चावल की मैंगो खीर तैयार है। अब हम इसके ऊपर कटे हुए मैंगोज डाल देंगे। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।